गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना जो 17th ऑफ नवंबर नू 8th क्लास का पैस का फाइनल पेपर होया सी इंग्लिश का, अज आप उसनू सारे पेपर नू सॉल्व करांगे ते देखांगे किन्ना किन्ना बच्चे ठीक होए ते किन्ना दे ठीक नहीं होए। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग एनी टाइम। सब तो पहला सब जो है आप देख सकते एक पोस्टर है, इस पोस्टर नू आपां ने पहला चंगी तरह स्टडी करना रीड करना इसनू, तो देखो ये किस बारे है। इस लिखे द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो इस विच की ये कंपोनेंट ने, इट प्रोवाइड्स फ्रूट, प्रोवाइड मेडिसिन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कूल्स आर हाउसेस, रिड्यूस इरोजन, एड ऑक्सीजन, प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड इस तो बाद लिखा सेव आवर अर्थ, ये मैसेज है। एंड एक मैसेज हो रहा है प्लांट आ ट्री, एक मैसेज हो रहा है। तो सारा अपने पोस्टर जो सी है स्टडी कीता। तो नाउ वी विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की है ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोस्टर। जरा पोस्टर आप हमने देखा है, यदा थीम की है, ये पोस्टर किस बारे है। सो यू कैन सी हेयर ऑप्शंस कि सेव वाटर है, नो एयर पोल्यूशन, नो सेव गर्ल चाइल्ड, नो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, येस। सो राइट आंसर इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा सा लार्ज कर लिए, ठीक है। तो रीड सेकेंड क्वेश्चन, विच गैस डू ट्रीज एड इन टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट विच जो ट्रीज ने वो केड़ी गैस एड करते हैं। चलो सानू सारा याद है, ये नहीं याद तो दोबारा उपर जाके आप देखते हैं पोस्टर विच लिखा है ना केड़ी गैस एड करते हैं। यू कैन सी हेयर ईजीली दे एड दे एड ऑक्सीजन। नाओ देखो अपनी ऑप्शनस है इस ऑक्सीजन वाली, फाइंड हेयर ऑक्सीजन। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन हेयर, डैट इज ऑक्सीजन। ओके नाओ क्वेश्चन नंबर थ्री, वट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। यानी कि ट्रीज नू प्लांट करन दा की बेनिफिट है, पढ़ के देखो। इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, येस। इट रिड्यूसिस इरोजन, येस। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, येस। तीनों चीज़ा करता है, तो आंसर की होया फोर्थ वन के आल ऑफ अबव के उपर वाले तिने ये आंसर सही ने। प्लांटिंग करने सारी चीज़ें होंदिया ने, फ्लड नहीं आते तो इरोजन होंगे, मिट्टी नहीं खुरती, तो जी है कार्बन डाइऑक्साइड जी है एनवायरमेंट चो वह भी घटती है। सो नाओ आवर नैक्सट क्वेश्चन इज वट कैन वी डू टू सेव आर अर्थ। अपनी अर्थ को बचाने वास्ते असं की कर सकते हैं, आंसर इज प्लांट मोर ट्रीज। अपन वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, मोर ट्रीज। सैकेंड देखो कट ट्रीज, अभी ट्री क्यों कटांगे है ना। सैटअप मोर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज सैटअप क्यों करा, तो आंसर की है सेव करने अर्थ नूं तां वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। द ऑप्शन नंबर वन इज़ करैक्ट आंसर। नैक्सट सुरजीत सिंह प्लांट्स अ ट्री ऑन हिज बर्थडे एवरी ईयर, वाई डज ही डू सो। सुरजीत अपने हर बर्थडे से एक ट्री प्लांट करता है, वो अजिहा क्यों करता है। ऑप्शन देखो, बिकॉज ही नोज़ द इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, क्योंकि उसनू पता है कि ट्रीज़ की इंपोर्टेंस की है, जां टू सैलीबरेट हिज बर्थडे, या अपना बर्थडे मनाने वास्ते वो तो कोई होर भी तरीके ना मना सकता है। बिकॉज हिज टीचर हैज़ आस्क्ड हिम, क्योंकि उस टीचर ने उसने कहा कि तू अपनी प्लांटिंग कराया कर। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ जेंटलमैन, क्योंकि वो एक वधिया जेंटलमैन बनना चाहते हैं। इन्होंने सारे चो जो सही आंसर है वो हैगा फस्ट वन, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्री की इंपोर्टेंस की है, ट्री साडे वास्ते किन्ने वधिया ने, साडे वास्ते किन्ने फायदेमंद ने। नाओ बिफोर गोइंग टू नैक्सट क्वेश्चन, लैट्स रीड दिस कन्वर्सेशन, द डायलॉग बिटवीन एट रेलवे इनक्वायरी विद पैसेंजर। ओके तुम पहले इन पढ़ो और पिछले रीड कर दें। देखो फस्ट है रेलवे इनक्वायरी, गुड मॉर्निंग। पैसेंजर कहता गुड मॉर्निंग। रेलवे इनक्वायरी, येस प्लीज़ हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं थोड़ी किस तरह हेल्प कर सकता हाँ। रेलवे इनक्वायरी तो कहा गया पैसेंजर,
आई लॉस्ट माई लगेज इन द ट्रेन यस्टरडे, कहता मैं अपना लगेज मेरा गुम हो गया कल ट्रेन विच। ओके रेलवे इनक्वायरी विच ट्रेन डिड यू बोर्ड, तुसी किस ट्रेन ते चढ़े, बोर्ड में नहीं चढ़ना, तुसी किस ट्रेन ते चढ़े। पैसेंजर इट वॉज शताब्दी एक्सप्रैस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ये शताब्दी एक्सप्रैस थी जी कि दिल्ली तो मुंबई जा रही थी। रेलवे इनक्वायरी एट वट टाइम डिड यू बोर्ड द ट्रेन, तुसी किस टाइम चढ़े ट्रेन च। पैसेंजर आई बोर्डड द ट्रेन इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock, मैं सवेरे 10 बजे चढ़िया। रेलवे इनक्वायरी कुड यू प्लीज़ टैल मी इन ब्रीफ अबाउट योर लगेज, कि तुसी मैनू डिटेल विच अपने बैग बारे जो थोड़ा लगेज से बारे दस सकते हो। पैसेंजर इट वॉज अमेरिकन टूरिस्टर बैग, डार्क कलर, डार्क रेड इन कलर, इट आल्सो हैज़ अ बिग टैग विद द लैटर आर रिटर्न, वो कहता भी है अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी का सीगा तो डार्क रेड कलर से इसका, तो वो एक टैग लगे हुआ जिद उपर की लिखा सी आर, की लिखा सी आर। उस तो बाद रेलवे इनक्वायरी कुड यू प्लीज़ शो मी योर टिकट, कि तुम मैंने अपनी टिकट दिखा सकते हो। पैसेंजर श्योर सर एयर इट इज़, कहता हाँ जी जरूर आ रही। रेलवे इनक्वायरी आई आल्सो नीड योर आई डी प्रूफ टू रजिस्टर योर कंप्लेंट, मैं तो आई डी प्रूफ की भी जरूरत होगी तुहाडी कंप्लेंट रजिस्टर करने वास्ते। पैसेंजर सर हेयर इज़ माई आई डी प्रूफ, सर मेरा आई डी प्रूफ भी ये रहा। रेलवे इनक्वायरी वी विल बी इन टच विद यू एज सून एज वी गैट एनी अपडेट, जस्ट गिव अस 24 hours, जो भी सानू कोई अपडेट मिलती है असं दसांगे, तुसीं सानू सिर्फ 24 घंटे दिओ, किन्ने घंटे दिओ 24 hours दिओ, असीं तुहाडी समस्या सोल्व कर देंगे। पैसेंजर थैंक यू सर आई विल बी वेटिंग फॉर यू कॉल, थैंक यू सर मैं थोड़ी वेट का कॉल करांगा, मैं थोड़ी कॉल का वेट करांगा, उल्टा हो गया सी ना। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, वट वॉज द कंप्लेंट अबाउट, जी कंप्लेंट से किस बारे से, पैसेंजर ने कंप्लेंट की ना किस बारे की, क्योंकि वह जो लगेज से गुम हो गया सी। सो फस्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। फ्रॉम वेयर डिड द पैसेंजर बोर्ड द ट्रेन, पैसेंजर वो ट्रेन विच जो चढ़िया सी बोर्ड किया चढ़िया सी तो वह कितों चढ़िया सी, अपन पता है वो ट्रेन जी जा रही थी वह शताब्दी एक्सप्रैस थी, वो जा रही थी दिल्ली तो मुंबई, तो चढ़िया कितों सी दिल्ली, सो राइट आंसर इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 वेयर वॉज ही गोइंग टू, वो कितने जा रहा सी, ही वॉज गोइंग टू मुंबई। वट वॉज द कलर ऑफ द बैग, बैग का कलर की सी, वी नो द कलर ऑफ द बैग वॉज डार्क रेड, कौन सा डार्क रेड। हाउ मच टाइम डिड द इनक्वायरी पर्सन आस्क फॉर टू फाइंड द लगेज, इनक्वायरी पर्सन ने कितना टाइम वास्ते कहा कि इन्ने टाइम से असं थोड़ा लगेज लभ लेंगे, तो उन्हें कहा गिव अस 24 hours वी विल रिजोल्व योर प्रॉब्लम। नैक्सट बेटा हूँ जेडे उपर वाले क्वेश्चन हो गए 10, ये तो है अपने कंप्रीहेंशन के उपरों पैरे चो लभ के, ठीक है। तो नैक्सट जो है अपने टैक्सट विचों ने सिलेबस विचों ने 11 तो स्टार्ट होंगे ने, जो ये थोड़ी याद नहीं जो सिलेबस कराया है टीचर्स ने वो ने। फस्ट अब्दुल हमीद वाज अवार्डड विद डैश फॉर हिज ब्रेवरी, अब्दुल हमीद लैसन विचों है कि उसनों केड़ा अवार्ड मिलया सी, तो वी नो ही वाज अवार्डड बाय परमवीर चक्र। गोपाल द बारबर वाज वेरी काइंड विटी जेलस फूल, आंसर इज विटी, वो बहुत सियाना सी गोपाल जो सी बारबर। द हरमिट मैट नन बट, हरमिट से जरा वो किसनों मिलता सी, ही मैट विद कॉमन पीपल। वट डिड डैडी फाइनली डिसाइड टू बी, फाइनली डैडी ने की बनना पसंद किया, कदे तो वह कार मकैनिक कहते हैं बनना मैं, कदे कहते आइसक्रीम वाला मैं बनना, तो लास्ट उन्हें की सोचा कि ए गुड मैन उन्हें बनना सी, सोचा ने लास्ट फाइनली ही डिसाइडेड टू बी अ गुड मैन। अवर नैशनल एंथम इज एज वी नो इट इज जनगण मन। माई फादर डैश टी वी नाओ, देखो नाओ का मतलब कि हूँ ही प्रेजेंट की गल हो रही है, माई फादर प्रेजेंट मतलब हूँ कर रहा है, तो सॉरी ही इज वॉचिंग टी वी नाओ, सो आंसर इज ही इज माई फादर इज वॉचिंग टी वी नाओ। अबू सा एन एंजल राइटिंग इन हिज बुक ऑफ, अबू ने देखे जो एंजल से वह अपनी कि बुक लिख रहा है जिड़ी कि गोल्ड की सी। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटर्मिनर,
There is dash milk in the jug. Here you can fill a little. There is a little milk in the jug. जग च बहुत थोड़ा दूध है. What kind of clothes did the king wear to meet the hermit? किंग ने कहे कपड़े पाए हरमिट मिलने वास्ते, ता क्योंकि हरमिट सिर्फ सिंपल आम कॉमन पीपल मिलता सी, ता राजे ने किंग ने सिंपल कपड़े पाए, ता दैट इज सिंपल क्लोथ्स. तो लास्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस. अपना नाम दसो. सो यू कैन सी मैनी ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज फस्ट वन, दिस इज टैल यूर नेम. सो बेटा ये अपने सारा प्रिवाइज किए 20 क्वेश्चंस, तुम टैली करो कि तुहाडा केड़ा सीख सी केड़ा गलत सी, एंड गिव योर रिस्पॉन्स इन कमेंट बॉक्स आल्सो. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो दैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट हेयर एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर एवरी न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक. एंड सो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय, मीट यू सून.